नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और जैसा आपने पिछली वीडियो में देखा था कि रुचि के बालों में मैंने कलर लगा दिया है, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ मैं भी अपने बालों में ही लगा लेती हूँ। वैसे तो मैं जा रही थी नहाने के लिए, क्योंकि मैंने पोछा वगैरह अभी लगाया था, इस वजह से फिर मैंने सोचा चलो पहले कलर ही लगा लेती हूँ, बाल भी साथ साथ धो लूँगी। और बस यहाँ पे देखिए मैंने कलर घोल लिया। और पिछली वीडियो में आप पूछ रहे थे, वैसे तो मैंने बताया था कि कौन सा कलर मैं यूज करती हूँ, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कलर मैं बरगंडी यूज करती हूँ, वो किसी भी कंपनी का होता है, या तो मैं गार्नियर का या फिर गोदरेज का, कोई भी दो कंपनी में से एक यूज कर लेती हूँ, जो भी मिल जाता है। तो बरगंडी कलर ही मैं लगाती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने कलर लगा लिया है, और कलर मेरे बालों में मम्मी ने लगाया है, आपको बता दूँ, लेकिन वीडियो नहीं बना पाई। असल में उस टाइम जब मम्मी मेरे बालों में कलर लगाने लगी, तो मेरा मोबाइल जो मतलब कैमरा है उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, इस वजह से। तो फिर मैंने बाद में देखा कि इसमें तो वीडियो ही नहीं बनी, फिर बाद में जब थोड़ा सा चार्ज करके फिर मैंने अपने आप बाद में देख रही थी कि कोई बाल तो नहीं रह गया, तो यहाँ पे बस फिर मैंने लगा लिया। और उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ बच्चों के बालों में कंघी। बच्चे सुबह नहा लिए थे, रुई भी इशू भी, लेकिन कंघी नहीं हुई थी इनके बालों में। ऐसे ही शैम्पू किया था ना, तो बिखरे बिखरे पड़े थे। इनको बोल भी रही थी मैं, मैंने कहा अपनी नानी से करवा लो, मम्मी ने भी कई बार बोला, लेकिन ये खेलने में ना इतनी बिजी हो जाती है, बिल्कुल नहीं सुनती। तो मैं कहा चलो अब मैं लेके बैठ गई, मैं कहा ऐसे ही घूम रही और चलो कंघी करवा लो। और इनको उधर भी जाना था इंदु के साइड, तो मैं कहा चलो लाओ कर देती हूँ, तो दोनों की बना दूंगी चोटी, ईशु की भी और रूही की भी। दोनों बच्चों की बना दी है। अब उसके बाद मम्मी ने भी बाल धोए थे, मम्मी ने भी आज कंघी नहीं करी, ऐसे ही सूखे पड़े मतलब खुले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो साथ साथ लाओ मम्मी की भी बा देती हूँ। बल्कि मम्मी कह रही थी कि मेरे सर में तेल लगा दे, मैं कहा तेल बाद में लगा दूंगी, अभी मैं चोटी कर देती हूँ। और सुबह तो धोए थे, मैं कहा शाम के टाइम देखती हूँ, टाइम लगेगा तब लगा दूंगी, क्योंकि इनको उधर जाना था, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी सा था, मैं कहा जल्दी चले जाएंगे। और मतलब कन्हैया कह रहा था कि मैं छोड़ आऊंगा, फिर उसको कहीं और जाना था, इस वजह से। तो जी कलर मैंने लगा लिया है, और अभी बस थोड़ी सी देर में धो लूंगी, और रुचि ने धो लिया, क्योंकि रुचि का टाइम आधे घंटे से ज्यादा हो गया। और मम्मी जा रही है उधर, जाना तो हमें भी है, मम्मी को जा रहा है कन्हैया छोड़ने। और देखिए रुचि ने बाल धो लिए हैं अपने, कलर इसका बहुत अच्छा निकल के आया है, और कलर तो खैर थोड़ी देर में ही सूख जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं करने लगी हूँ रुचि की कटिंग। असल में जैसे पहले मैंने वीडियो में बताया था कि इसके बाल बहुत कम है, तो बिल्कुल ही पूंछ सी हो रही थी, और नीचे से बहुत ही थे, लंबे तो हो जाते हैं लेकिन हैं बहुत हल्के, तो वो चोटी भी नहीं बनती, अच्छे से लिपटते भी नहीं। तो मैंने सोचा ला इन्हें थोड़े से ठीक से कर दूँ, एक साथ से कर दूंगी, बहुत ख़राब से हो रहे थे, मतलब नीचे से पूंछ सी बन रही थी। तो रुचि भी मुझे कई दिन से बोल रही थी कि मेरे बाल काट दे, तो बस उस दिन से मैं कहा चलो लाओ अभी काट देती हूँ, तो ये काट दी रुचि की पूंछ। मैंने रुचि की कर दिया आज कटिंग, और असल में इसके बाल ना बहुत ही हल्के हैं, बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे से हो रहे थे, ऐसे ही पूंछ सी हो रही थी, मन्ना फिर कई दिन हो गए या कह रही थी कि मेरा बाल काट लिए, तो आज धोए, मुझे याद भी नहीं रहा था, तो फिर मैं कला चल दो कर दू, तो काट दिए। और अब इनकी तैयारी हो रही है उधर जाने की, मैं जाऊंगी थोड़ी देर में बाल धोने के बाद अभी। और इन इसने धो लिए, और बच्चे ये तैयार हैं, ईशु और रुई देखिए तैयार बैठे हैं। तो ईशु रुई रुचि और गुड्डू चार रोज जाएंगे पैदल पैदल। अच्छा, पैदल चले जाओगे तो पैदल जाओगे। हाँ, और मम्मी और आरू चली गई है उधर, आज दोपहर का जो लंच है उधर ही है हमारा। इंदू का फोन आया था, असल में तैयारी तो हमारी भी होगी थी खाना बनाने की, देखिए मैंने चावल वगैरह सॉरी चने बनाने थे आज, आलू चने वो बाल लिए, ये दिखा दूं आपको, आलू और चने हैं इसके अंदर काले चने, ये देखो। और बस ये मैं फिर शाम के टाइम बनाऊंगी, और तड़के की रुचि ने टमाटर प्याज भी काट दिए। फिर उसका फोन आया, फिर वो कह रही थी कि मैंने कढ़ी चावल बना रखे आ जाओ और दोपहर को बना लियो, फिर मैंने इसीलिए खाना नहीं बनाया, ये रख दिया बाल का, शाम को ये बना लूंगी।
फिर वो यार दो दो सब्जी और फिर एक इधर एक उधर बनाएंगे। मैं कह भी रही थी उसे, मैं रहने दे कल को, बाद में खा लेंगे उधर जाके। मैं कहा मैंने अभी तैयारी कर ली। वो कहने लगी मैंने चावल बना लिए, ये वेस्ट होंगे। बस फिर मैं कहा चलो खा लेंगे, तो उधर ही जाएंगे सब। चलो भाई रुचि गुड्डू जाओ। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं इधर, और तुमने सबने खा लिया खाना? खा लिया। तो टाइम भी लेट ही हो गया। क्या टाइम, क्या टाइम हो गया, क्या टाइम हो गया है, क्या टाइम हो गया? 2 ही बज गए। बस मैंने बाल बूल धोए ना, फिर टाइम लग गया। फिर आ गया था मेरे भाई का फोन, इस वजह से थोड़ी सी देर होगी। और बस सबने इन्होंने खा लिया और हमारी थाली लग रही है। और आज जैसा मैंने बताया था, इन दोनों कढ़ी चावल बना रखे स्पेशल। और मैं तो कह रही थी, मैं कहा उधर ही बना लेते, मैंने तो चने ज्यादा से ही भिगो रखे थे। मैंने सोचा मैं कल को तो सामान खाना ही इस घर में, आज आखिरी दिन है सबके खाने का, फिर दूसरे घर में जाकर खाओगे सारे। कड़ी चावल बना रखे, चावल भी तो खाली लग गया। कन्हैया की बड़ी डाली वो आया मुझे तो दिखाई नहीं किसके साथ आई मम्मी, यहाँ तो अंदर तो पैदल ही आ रही थी। मैं लग रही बाली ना भी कंप्यूटर पे तो कभी नहीं कह रही मैं। चलो 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 हाँ बस 2 मिनट रुकता, 2 मिनट रुकता, काम में लग रहे दोनों टाइम में। तो जी खाना हमारा लग गया है। और शक्कर तो आपको पता ही है, शक्कर तो मैं चावल के साथ जरूर खाती हूँ, मीठा बुरा हो या शक्कर हो। तो यहाँ लग गई है मेरी शक्कर भी और इनकी भी। तुमने तुमने खा लिया? अभी अभी बाट देख के खाया मैंने। चलो कोई बात नहीं, तो अब हम भी खा लेंगे। तो फिर हम आ गए थे उधर से, थोड़ी देर खाना खा के फिर हमने रेस्ट करा। और अब शाम का टाइम, उधर से हम सब आ गए थे। इंदु चली गई थी कान्हा जी को लेने के लिए, उसने श्रृंगार के लिए दिए हुए थे। और बस मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे, जो गेहूँ सुखा रखे थे मैंने, मैं कहा चलो साथ साथ इनको साफ कर दूंगी, क्योंकि मुझे रखने थे पिसने के लिए। और शाम के टाइम जो मौसम है वो भी हल्का, मतलब बादल हो रहा था, हवा चल रही थी, अच्छा हो रहा था मौसम। मैं कहा चलो साथ साथ कर दूंगी, वरना तो बारिश वगैरह हो जाएगी तो फिर गेहूँ करने में दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे बस मम्मी भी आ गई थी मेरे साथ, बल्कि मैं मम्मी को ना कर दी थी। मैं कहा मम्मी रहने दो, मैं कर लूँगी अपने आप, कभी गर्दा गुर्दा लगे, क्योंकि मम्मी को दिक्कत होती है ना गर्दे से, इस वजह से। तो छान तो मैं ही रही हूँ, मम्मी कह रही कि नहीं ये तो धुले हुए इनमें से क्या लगेंगे। और मैं तो थोड़ा बहुत हाथ सा निकाल दूंगी कि कभी एक आधा कुछ मतलब कंकर वगैरह निकल जाए। तो यहाँ मैं छान रही हूँ, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं इसमें ना, सरसों के दाने थे, धुला हुआ तो है ही है लेकिन सरसों के दाने थे, तो इस वजह से मैंने ये छान दिया मगर, जिससे ये अच्छे से साफ हो जाए। वरना आटा ना थोड़ा थोड़ा काला काला सा हो जाता है, जैसा सरसों काली होती है ना, तो उसकी वजह से। तो यहाँ बस सारा साफ कर दूंगी। और इसको देखिए मैंने 2 जगह कर दिया, 2 गट्टों में, एक रखवा दूंगी पीसने के लिए कल कन्हैया से, और दूसरा रख दूंगी, वो भी मैंने साफ करके रख दिया। दूसरा जब वो एक हो जाएगा ख़त्म, तो दूसरा भी तभी हो जाएगा। जैसा मैं एक गट्टा धोती हूँ, शायद उसमें 10 धड़ी के लगभग होगा अनाज, तो वो 2 बार हमारा आराम से पिस जाता है। तो ये 2 बार के हाड़े हमारे तैयार हो गए। हाड़े बोलते हैं हमारे इधर, जैसा ये गट्टे ले जाते हैं ना पिसवाने के लिए, तो इसको हाड़ा बोलते हैं। और मैं दोनों को बांध के रख दूंगी, एक पिसने के लिए धर दूंगी और एक रख दूंगी अंदर मोंटी में वो बाद के लिए। तो यहाँ बस रख देती हूँ अंदर। और फिर इंदु भी आ गई थी कान्हा जी को तो लेके, और बस वो कहने लगी ला मैं धरवा दूँ दूसरा। और अब जो भी सामान है गेहूँ का, चद्दर चुद्दर और ये झरने, वो भी सारे मैं रख देती हूँ उठा के। और मौसम भी ऐसा ही हो रहा, ऐसा हो रहा जैसा बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं आई थी, वैसा ठंडी हवा आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो जी हमारा काम ऊपर छत का हो गया है, अब आ गई हूँ मैं नीचे। और नीचे आके बनाऊंगी बच्चों के लिए मैंगो शेक। और इस बच्चे शाम के टाइम कह रहे थे कि मम्मा भूख लग रही, तो फिर इसके चाचू बाजार गए थे। मैंने उनको बोला था मैं आम लेते आना, मैं आम का जूस बना के दे दूंगी बच्चों को मैंगो शेक।
तो यहाँ में लेके आए हैं। और बच्चों के लिए क्या, सबके लिए ही बना दूंगी। और रुचि के लिए मैंने रख दी थी चाय बनने के लिए, उसको चाय दे दूंगी क्योंकि रुचि मैंगो शेक नहीं पीती। एक तो उसको जुकाम खांसी सा भी हो रहा है और एक वो पीती ही नहीं ऐसी चीज। क्या कर रही है तू? जूस बना रही है उनका। तुझे तो दुकान खुलवा दो एक जूस के, अपना जूस बनाओ जाकर ये बैठी हुई। घर का क्या काम है, दो रोटी बनाए चार बर्तन मजे हैं बस छुट्टी। हाँ तो वही तो कह रही, चाहे दो बनो चाहे चार बनो, बनना तो खाई नहीं दस बने। मैं तो कह रही घर का कर लो और मुझे जूस की दुकान खुलवा दी हो। ये दो आम है 110 रुपए के हैं। और ये बढ़िया थोड़ा ये वैसे लगता जो उनसे जूस के लाए ये तो नहीं जूस के तो, पर ये मिठे नहीं खट्टे नहीं कड़वे नहीं पड़वे। भूख लग रही मगर इनका तो कैसा भी स्वाद नहीं है, ना मिठे ना खट्टे ना कैसे, पता नहीं कैसे है। तो यहाँ पे देखिए शेक हमारा बनके तैयार हो गया। अब बस मैं सबको दे दूंगी, सबके लिए लगा देती हूँ गिलासों में। और कृष्णा को और आरू को दूंगी इसमें गिलासी में स्टील की, क्योंकि आरू ने ना 2-3 ग्लास कंच के फोड़ दिए। जैसा कुछ लेती है ना खाती है तो वो छोड़ देती है, कई बार गिरा देती है, तो इस वजह से अब मैं उनको ध्यान रखती हूँ। गिलासी है मेरे पास 2 छोटी छोटी, तो कृष्णा को और आरू को मैं दोनों को गिलासी में ही देती हूँ। और यहाँ मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट बादाम वगैरह तो थे नहीं, किशमिश रखी थी तो मैंने सोचा चलो किशमिश डाल देती हूँ। और ईशु कह रही थी कि मम्मा ड्राई फ्रूट डाल के देना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसा देखने में तो अच्छा लगेगा लगता ही है। तो मेरे पास जो थी किशमिश वगैरह किशमिश वो मैंने डाल दी। और देखिए सभी बैठे थे, बच्चे तो हो रहे थे परेशान, और बच्चे सारे ही खुश होकर पी लेते हैं मैंगो शेक, और मुझे भी बहुत पसंद है। सभी मतलब पी लेते हैं हमारे घर में। और कन्हैया को मैंने ऑफिस में ही दे दिया, वो ऑफिस में ही बैठा था काम कर रहा था। और गुड्डू नहीं आई थी, गुड्डू गई थी ट्यूशन, उसके लिए मैंने रख दिया था फ्रिज में, मैं थोड़ी देर में आ जाएगी वो भी पी लेगी। बस इन सबको दे के फिर मैं भी पी लूँगी। और रुचि लग रही है देखे प्रेस करने के लिए, रुचि ने चाय पी ली थी, उसको मैंने पहले ही दे दी थी बना के, मैं पी ले। उसने कह दिया था पहले कि मेरे लिए तो 1 कप चाय बना दे, मैं नहीं जूस पीने की, तो उसने पी ली थी। और वो लग रही थी प्रेस करने के लिए, जब मैं गेहूँ पर साफ कर रही थी तो वो पहले से ही प्रेस कर रही थी। और अब देखिए जूस वगैरह सबने पी लिया है। और यहाँ बस मैं करने लगी हूँ बर्तन। सबसे पहले करी है मैंने किचन की क्लीनिंग, अच्छी तरीके से सारी किचन साफ कर दी। और अब मैं कर रही हूँ बर्तन साफ, क्योंकि किचन तो फैली जाती है जब कुछ ऐसा कुछ बनाते हैं। और फिर हम दोपहर के टाइम उधर भी चले गए थे तो कन्हैया ने भी खाना खाया था, उधर से कन्हैया का खाना आया था, तो फिर बर्तन बच्चे भी कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं। तो यहाँ मैं पूरी किचन क्लीन करके उसके बाद बर्तनों को कर दूंगी साफ। और अब देखिए मेरा शाम का खाना बनना भी शुरू हो गया, और मैं थोड़ी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि जो सुबह मैंने चने और आलू उबाले थे वो रखे ही थे उबले हुए, और टमाटर प्याज भी कटे हुए रखे थे, मतलब चॉप नहीं करे हुए थे, बस थोड़े बड़े साइज में ही काट रखे थे। तो यहाँ पे वही मैंने चॉप कर लिए, प्याज कढ़ाई रख ली, जीरा धनिया डाल लिया, और बस उसमें प्याज डाल के अच्छी तरीके से भून लूँगी। अब जो टमाटर है वो भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया, अब वो डाल दूँगी, और फिर इसमें डाल दूँगी नमक मिर्च मसाले। और चने की सब्जी, आलू चने राजमा छोले ये तो खैर सब खुश होकर खाते हैं, और चने की सब्जी तो ईशु को सुबह से जैसा पता चला ना कि चने बनेंगे तो सुबह से कह रही मम्मा बना लो, बल्कि दोपहर में उधर जाने के लिए भी टाइम नहीं था, मतलब वो मान नहीं रही थी कि वो कहती मम्मा नहीं मुझे तो चने खाने, फिर मैंने इसलिए नहीं बनाए। उसका फोन आ गया इंदु का, मैं कहा वो बोलेगी, वो कह रही थी कि मैंने चावल भी बना लिए, और मैंने तो खैर तैयारी कर रखी थी, तो वो कह रही थी नहीं ये वेस्ट जाएंगे, फिर मैं उधर ही इसलिए चली गई थी, वरना तो मेरी तैयारी हो ही रही थी। और खैर हमने मैंने सोचा मैं कहीं बोल लगी, अब तो आज कहने कह ही रही थी वो कि आज आखिरी दिन है हमारा इस घर में, और कल तो शायद शिफ्ट कर देंगे, ये मंडे की वीडियो है ना। और
आ जाइयो। फिर हम चले गए, मका चलो, बल्कि मैं उससे कहती मका सब बोल लेंगे कि तू खाने तो चली गई, खिलाती तो क्या। वो कह रही कि कोई बात नहीं, कहने दे जिसे जो कहना। और देखो अपने अपने हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो यहाँ खाना हमारा देखे बन के तैयार हो गया, वो काले चने भी और चावल भी मैंने बना दिए, और अब सबको दे दूंगी, बच्चों को भी बड़ों को भी, सबको, सभी बैठे हैं खाने के लिए। और बच्चों को मैं ज़्यादातर मिक्स करके ही देती हूँ, चावल के ऊपर सब्जी डाल के सारी उनको मिक्स करके दे देती हूँ, वे सारे अच्छे से आराम से खा लेते हैं। और बड़ों को कटोरी में दे देती हूँ सब्जी और चावल थाली में, तो वे अपने हिसाब से खाते हैं। यहाँ देखे सब बैठे हैं, खाना खा रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं। और इंदु फिर चली गई थी उधर, वो उधर ही उसको सामान की पैकिंग वगैरह भी करनी थी, और उसके सर में भी दर्द हो रहा था। वो कह भी रही थी कि मेरे सर में दर्द हो रहा, तब यहाँ पे थी, तो फिर वो उधर ही चली गई थी, उसको वीडियो वगैरह भी करनी थी। फिर मैं कह भी रही थी, मैंने कहा खाना खा के चले जाना, तो भैया कहने लगे कि बाद में मैं आके लेता जाऊँगा। तो यहाँ पे सबने खा लिया है खाना, और बस मैं बाद में इंदु का, नीरज भैया का भी कर रही हूँ टिफिन में पैक। मका चलो उधर ही भैया आ गए थे दुकान पे से, मका वो लेते जाएंगे, तो यहाँ पे बस कर दूंगी दोनों का पैक। बल्कि कृष्णा भी चला गया था उधर ही इंदु के साथ, वैसे वो जाता नहीं अक्सर, आज उसे लगा होगा कि मैं चला जाऊँ मम्मी के साथ, तो वो चला गया था उधर ही। और बस ये देखिए इनका टिफिन करके पैक करके दे दूंगी। और टिफन हो गया है पैक, बस मैं दे दूंगी भैया को। और रुचि भी खाने लगी थी खाना, रुचि ने पहले रोटी सेकी थी, तो मैं कहा चल तू खा ले, मैं कर लूंगी बर्तन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बर्तन साफ और सारे करके, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी खाना। बल्कि मम्मी मुझे बार बार बोलती रहती है कि तू खाना खा ले पहले, बाद में कर लिया। मैं कहा नहीं मम्मी, आराम से बैठ के बाद में खाऊंगी। तो बस आज का वीडियो इतना ही, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।